आज की क्लास में हम लोग सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सेल सिग्नलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका एक विशेष प्रकार का सिग्नल उत्पन्न करती है और यह सिग्नल दूसरी कोशिका के द्वारा रिसीव किया जाता है। तो इस तरीके से एक विशेष संकेत दूसरी कोशिका को पहुंचाया जाता है और इस तरीके की सिग्नलिंग की क्रिया अनेक प्रक्रियाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें है सेल डिवीजन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस। ये सारी प्रक्रियाएं सेल सिग्नलिंग के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं, रेगुलेट की जाती हैं। तो सेल सिग्नलिंग इज वाइटल इन रेगुलेटिंग सेल डिवीजन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। इतनी प्रक्रियाओं के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो सेल हैं वो स्पेशलाइज हैं, जहाँ पर जो हैं वो उसके लिए स्पेशल हैं और वो ऐसा काम करती हैं। अब शुरू में तो ये सारी सेल्स जब उत्पन्न हुई तब एक जैसी थी, बाद में ये जब अलग अलग भागों में इन्हें प्लेस किया गया तो उस भाग के काम के हिसाब से ये बदल गई। यानी आँख की सेल अलग हो गई, ब्रेन की सेल अलग हो गई, लीवर की सेल अलग हो गई। तो इस तरीके से अब वो अपने जहाँ है उस काम के लिए वो स्पेशलाइज हो। और इस तरीके के स्पेशलाइजेशन होने के लिए सिग्नलिंग खास महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर सिग्नलिंग जो है, सेल सिग्नलिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर सेल्स टू कम्युनिकेशन विथ ईच अदर। सेल सिग्नलिंग जो है वो ये संभव बनाता है कोशिकाओं के द्वारा, ताकि वो एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकें एंड टू कोऑर्डिनेट दियर एक्टिविटीज फॉर एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और वो अपने काम में समन्वय स्थापित कर सकें ताकि किसी स्टिमुलस के प्रति वो एक समन्वित होके एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सकें, उनमें समन्वय हो, समन्वित ढंग से वो काम कर सकें। तो समन्वित ढंग से कभी कोई काम तभी होगा जब सबको उनका काम समझा दिया जाए कि किस समय किसको क्या काम करना है, और इसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अब बॉडी के बहुत सारी सेल्स में सब ठीक प्रकार से काम करें इसके लिए सिग्नलिंग ज़रूरी है। सिग्नलिंग के द्वारा एक सेल दूसरे से जुड़ी रहती है और किस समय उसको एक्टिवेट होना है, किस समय डीएक्टिवेट होना है, ये सारी चीज़ें उसके द्वारा उसमें व्यवस्थित हो जाती है, कोऑर्डिनेट हो जाती है। सेल सिग्नल इज ऑफ टू टाइप्स। जो सेल के सिग्नल हैं या सेल में जो सिग्नलिंग की क्रिया है, ये दो प्रकार से होती है। पहला है इंटरसेलुलर सिग्नल, ऐसे सिग्नल जो एक कोशिका से उत्पन्न होते हैं और दूसरी कोशिका द्वारा रिसीव किए जाते हैं, यानी दो कोशिकाओं के बीच होते हैं, उन्हें इंटरसेलुलर सिग्नल कहते हैं। दूसरा है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में सिग्नल सेल मेम्ब्रेन से कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आगे बढ़ता है और फिर ज़रूरत के हिसाब से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाता है या उसके अंदर भी जाके ये क्रोमोसोम तक पहुंचता है, जीन तक पहुंचता है। तो इस तरीके से सेल के अंदर जो सिग्नल का ट्रांसपोर्ट होता है, सिग्नलिंग की क्रिया होती है, वो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग की कैटेगरी में आती है। तो ये दो तरीके के सिग्नलिंग हो गए, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग एंड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। अब इनमें से पहला हम लेते हैं इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग में वन सेल सेंड सिग्नल टू अनदर सेल। एक सेल जो है सिग्नल भेजती है दूसरे सेल के लिए। इंटर सेलुलर सिग्नलिंग एक्ट्स थ्रू फॉलोइंग वेज। जो कोशिकाओं के बीच सिग्नलिंग है वो निम्न प्रकार से, निम्न विधियों से काम करती है। पहला जो विधि है इसमें कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग और जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। पहला जो सिग्नलिंग की क्रिया है इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। ये जो है संपर्क के आधार पर सिग्नलिंग होती है। इसमें दो सेल के बीच जो सिग्नलिंग हो रही है
तो दोनों एक दूसरे से सटी होती हैं, पास पास होती हैं, और इसीलिए इस प्रकार के ये जो सिग्नलिंग है इसको जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग वन सेल पास सिग्नल टू अनदर सेल्स हु इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ दी सेल। इस प्रकार की सिग्नलिंग में एक सेल सिग्नल उस दूसरी सेल को सिग्नल पास करती है जो उसके बिल्कुल समीप क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है। The signaling cell carries a membrane bound signal molecule. तो जिस सेल में सिग्नल उत्पन्न हो रहा है वो सेल सिग्नलिंग सेल कहलाती है। सिग्नलिंग सेल अपनी मेम्ब्रेन पर उससे बंधा हुआ सिग्नल धारण करती है, कैरी करती है, यानी सिग्नलिंग सेल के मेम्ब्रेन पर सिग्नल बंधा होता है, उसकी मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, जुड़ा होता है। और यहाँ से चूंकि जो दूसरी सेल है जिसको सिग्नल जाना है वो इसी सटी हुई है, तो द सिग्नल मॉलिक्यूल इज सेंस्ड बाय रिसेप्टर्स इन द टारगेट सेल। अब पहले मेम्ब्रेन की सरफेस पर जो सिग्नल है उसको सेंस किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है रिसेप्टर सेल्स के द्वारा। रिसेप्टर जो रिसीविंग सेल है उसकी मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर हैं सिग्नल के लिए उनके द्वारा जब रिसेप्टर उसके टच में आते हैं तो वो उसे फील करता है और सिग्नल उस सेल तक पहुंच जाता है। एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो इसका जो एग्जाम्पल है डेल्टा नोज सिग्नल इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक मक्खी होती है और इसमें जो डेल्टा नोज प्रकार का सिग्नल है वो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है। डेल्टा नोज सिग्नलिंग के अंतर्गत ड्रोसोफिला के ऑडिटरी सिस्टम यानी जो सुनने वाले ऑर्गन हैं उनका विकास होता है। तो सुनने वाला अंग जो है वो नर्वस सिस्टम से संबंधित है, जो इसमें सूचनाएं हैं वो ब्रेन को जाती हैं जिससे ध्वनि को महसूस किया जाता है। अब इसमें जो है जब ये विकसित हो रहा होता है तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने आसपास की सेल जो उनसे सटे होते हैं उनको सिग्नल करते हैं और इस तरीके की सिग्नलिंग को डेल्टा नोज सिग्नल कहा जाता है। अब इसमें जो है जो डेल्टा नोज सिग्नल होता है तो न्यूरॉन अपने बगल की सेल को सिग्नल के माध्यम से सपोर्टिंग सेल में बदलने के लिए संकेत करते हैं। यानी अगर डेल्टा नोज सिग्नलिंग ना हो तो न्यूरॉन के बगल की जो सेल है वो भी न्यूरॉन में बदलेगी, लेकिन डेल्टा नोज सिग्नलिंग उनको न्यूरॉन में बदलने से रोक देता है, तब वह सपोर्टिंग सेल में बदल जाती है। तो इस तरीके से व्यवस्थित ढंग से जो ऑडिटरी सिस्टम है उसका विकास होता है और व्यवस्था जो है वो बनी रहती है कि एक न्यूरॉन होगा उसके बगल में ग्लियल सेल्स होंगी यानी सपोर्टिंग सेल्स होंगी। तो ये सिग्नल अगर ये सिग्नल काम ना करे तो अंग जो है प्रॉपर ढंग से विकसित नहीं होगा। तो ये पहला तरीका है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग जिसमें एक सेल क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है दूसरे सेल। अब दूसरा तरीका इंटरसेलुलर सिग्नलिंग का, ये देखिए ये जो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है इसमें ये फिगर के द्वारा हम समझ सकते हैं। एक सेल है जिसकी मेम्ब्रेन से पर सिग्नल जुड़ा हुआ है या इसकी मेम्ब्रेन पर सिग्नल उत्पन्न होता है, दूसरी सेल इसके टच में है, उसके मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर सिग्नल के संपर्क में आता है और इस तरीके से पहले सेल का सिग्नल दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। इस फिगर को अपनी कॉपी में बना लेंगे, बड़ा सिंपल है। एक सेल बनाएंगे, उसकी मेम्ब्रेन पर सिग्नल बना देंगे एक कलर से और दूसरी सेल में इस तरीके से रिसेप्टर्स बना देंगे और ये दोनों सेल एक दूसरे के पास पास होंगे। अब दूसरे प्रकार की जो सिग्नलिंग है इसको कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। इसमें सेल पास पास नहीं होते हैं बल्कि उनके बीच थोड़ी दूरी होती है। तो इन दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग द सिग्नलिंग सेल प्रोड्यूसेस ए केमिकल सिग्नल। इसमें जो सिग्नल है वो मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं है बल्कि सेल जो है केमिकल को स्रावित करती है और यहाँ पर सिग्नल इसी केमिकल के रूप में होता है। ये केमिकल जो है वो जो दो सेल के बीच का गैप है उनके बीच विसरित होता है, डिफ्यूज होता है। तो सिग्नल दैट डिफ्यूजेज अक्रॉस ए स्मॉल गैप एंड इफेक्ट्स अदर सेल नियर इट। तो इस गैप में ये डिफ्यूज होकर अगली सेल तक पहुँचता है और फिर उसे प्रभावित करता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं ग्रोथ फैक्टर्स,
इस तरीके से काम करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स इस तरीके से काम करता है, एंड रेटिनोइक एसिड सिग्नल्स आर एग्जाम्पल ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो इन तीनों को याद रखना है, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग में डेल्टा नोच तरीके की सिग्नलिंग थी, यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, रेटिनोइक एसिड सिग्नल जो होते हैं वो पैराक्राइन सिग्नलिंग के हिसाब से काम करते हैं, जिसमें सिग्नल उत्पन्न करने वाली सेल कुछ केमिकल स्रावित करती है, और यही केमिकल सिग्नल होता है, ये जो बीच का गैप है उसमें आगे बढ़ता है विसरण के द्वारा और फिर अगले सेल तक पहुंचता है, वहां पर इसको फिल किया जाता है, इसको महसूस किया जाता है। एग्जाम्पल ये तीनों हैं, इसको फिगर के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सेल के बीच गैप है, और एक सेल जो है ये जो ये पिंक कलर का दिखाई दे रहे हैं डॉट्स, ये सिग्नल हैं, इस सेल के द्वारा स्रावित होते हैं, केमिकल हैं, ये सिग्नल इस गैप में डिफ्यूज होते हैं और फिर नेक्स्ट सेल के रिसेप्टर तक पहुँचते हैं, इससे बंधते हैं और इस तरीके से इसकी सिग्नलिंग पूरी हो जाती है। तो ये दूसरे तरीके का सिग्नलिंग हो गया, एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब तीसरे तरीके की सिग्नलिंग, तीसरा जो सिग्नलिंग है इसको कहते हैं सिनेप्टिक सिग्नलिंग। अब सिनेप्टिक सिग्नलिंग ये पैराक्राइन सिग्नलिंग का ही एक स्पेशल फॉर्म है, इसमें भी दो सेल के बीच गैप होता है, और इस तरीके की जो सिग्नलिंग है वो विशेष रूप से हमारे नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, जहाँ पर दो न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, या यूँ कह लीजिए नर्वस सिस्टम की जो सेल है उनको न्यूरॉन कहते हैं। तो यहाँ पर दो न्यूरॉन के बीच थोड़ा गैप होता है और इसी गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। तो जब पहले न्यूरॉन से सिग्नल स्रावित होता है तो वो उस गैप में आगे बढ़ता है, जिसको हम सिनेप्स कहते हैं, उसमें आगे बढ़ता है और दूसरे मेम्ब्रेन पर जाके बंधता है। तो यहाँ पहले देख लीजिए सिनेप्स क्या है, सिनेप्स आर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू नर्व सेल, दो नर्व सेल के बीच की जगह है ये, और इन्हीं के नाम पर इस तरीके की सिग्नलिंग को सिनेप्टिक सिग्नलिंग कहा गया। अब दो सेल है, एक सेल से सिग्नल आता है तो उसके जिस छोर से सिग्नल आ रहा है उसको प्री सिनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं, और दूसरी सेल है उसका जो छोर सिग्नल ग्रहण कर रहा है उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे The terminal end of cell from which signal arises is known as presynaptic terminal. तो उस सेल का अंतिम छोर टर्मिनल एंड जहाँ से सिग्नल एराइज होता है, उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं presynaptic terminal. इसके विपरीत दूसरा, while the terminal which receive the signal, जो सिग्नल को रिसीव करता है इज नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, उसे जो है पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल कहा जाता है। अब प्री सिनेप्टिक टर्मिनल प्रोड्यूस सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है वो सिग्नल को उत्पन्न करता है किस रूप में, केमिकल के रूप, और इन केमिकल को कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर्स, इन्हें न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। यानी प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से जो केमिकल सिग्नल उत्पन्न हुआ उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ये गैप में ट्रेवल करता हुआ आगे बढ़ता है और पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल तक पहुंचता है। दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रेवल्स थ्रू द गैप ऑफ सिनेप्स एंड बाइंड्स टू रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल मेम्ब्रेन। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये दो न्यूरॉन के गैप में ट्रेवल करते हैं और जो पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल हैं उसके रिसेप्टर्स से जाके बाइंड करते हैं, बंधते हैं। यहाँ इसको फिगर के द्वारा देख सकते हैं, ऊपर का जो है जहाँ से सिग्नल उत्पन्न हो रहा है, सिग्नल मॉलिक्यूल पहले वेसिकल्स में बंद होते हैं और इन सिग्नल मॉलिक्यूल को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। जब सिग्नल उत्पन्न होना होता है तो ये वेसिकल्स इसकी इंड पर आके लगते हैं, वेसिकल्स ब्रस्ट होती हैं और केमिकल रिलीज हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं,
ये केमिकल जिन्हें हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, ये इस गैप में ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक छोर तक पहुंचते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक छोर के मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर्स से जाके ये बंध जाते हैं और अपने सिग्नल को दूसरी सेल तक पहुँचा देते हैं। तो ये रिसीविंग सेल है, ये सेंडिंग सेल है, सेंडिंग सेल के एंड को प्री सिनेप्टिक टर्मिनल और रिसीविंग सेल के एंड को पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं। ये हो गया अपना सिनेप्टिक सिग्नलिंग, जो कि पैराक्राइन सिग्नलिंग का ही एक स्पेशल रूप है। अब फोर्थ अपना है इंडोक्राइन सिग्नलिंग। इंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो है, जो सिग्नल होता है उसको हार्मोन कहा जाता है। तो इन दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग सिग्नल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड हार्मोन्स। इससे पहले वाली सिग्नलिंग में सिग्नल मॉलिक्यूल को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, यहाँ पर इसे हार्मोन्स कहते हैं। अब हमारे शरीर में इसे बहुत सारे हार्मोन साबित होते हैं, ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो एक तरीके के सिग्नल हैं। कहाँ से साबित होते हैं? इंडोक्राइन ग्रंथियों के द्वारा। तो हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय स्पेशल ग्लैंड्स कॉल्ड इंडोक्राइन। ये एन ई एक्स्ट्रा हो गया है तो इसको यहाँ से हटा देंगे, इंडोक्राइन यहाँ तक ही है, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो हार्मोन जिन विशेष ग्रंथियों से सेक्रेट होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जिन ग्रंथियों की सेल से सिग्नल उत्पन्न होते हैं हार्मोन के रूप में, उन ग्रंथियों को हम इंडोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, अब ये हार्मोन इस प्रकार के सिग्नलिंग की विशेषता यह है कि जो सेल सिग्नल उत्पन्न कर रही होती है और जो रिसीव कर रही होती है वो दूर दूर स्थित होती है, और इतनी दूरी तक हार्मोन सिंपल विधि से गति करके नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसे एक वाहक की जरूरत होती है, कैरियर की जरूरत होती है, और वो कैरियर है ब्लड। तो हार्मोन जो है, हार्मोन्स आर सिक्रीटेड इन ब्लड। हार्मोन जो है वो ब्लड में सिक्रीट होते हैं एंड ट्रेवल्स थ्रू ब्लड, और इस ब्लड के द्वारा ही वो यात्रा करते हैं, गति करते हैं अप टू देयर टारगेट सेल, अपने लक्ष्य कोशिका तक। तो ब्लड में स्रावित होते हैं और ब्लड के द्वारा अपनी लक्ष्य कोशिका तक ये यात्रा करते हैं, पहुंचते हैं। अब जब ये ब्लड के द्वारा यात्रा करके दूर स्थित अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं, तो व्हेन दे रीच अप टू टारगेट सेल्स दे बाइंड ऑन द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ रिसेप्टर सेल्स। तो जब वो टारगेट सेल पर पहुंच जाते हैं तो टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पर उपस्थित रिसेप्टर से बंध जाते हैं और अपने संकेत को, अपने सिग्नल को वहां तक पहुंचा देते हैं। तो दूर स्थित कोशिकाओं में ये तरीका है सिग्नल को ट्रांसफर करने का। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से, ये देखिए इसको फिगर के द्वारा, सेल जो है इंडोक्राइन ग्लैंड की सेल है, सिग्नल उत्पन्न करती है, इसी सिग्नल को हार्मोन कहा जाता है। अब इंडोक्राइन ग्रंथियों में रुधिर वाहिनियाँ फैली होती हैं तो वो सीधे रुधिर वाहिनियों में सिग्नल को भेजती हैं, और रुधिर के साथ ये सिग्नल बहते हुए शरीर में संचरित होते हैं। संचरित होते हुए ये अपने टारगेट सेल तक पहुँचते हैं, और टारगेट सेल में जैसे पहुँचते हैं उसके मेम्ब्रेन पर उपस्थित रिसेप्टर से बंध जाते हैं और अपने सिग्नल को वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो ये भी सिंपल फिगर है जिसे हम अपने टेक्स्ट बुक में बना लेंगे। तो इस तरीके से आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें संकेत एक कोशिका के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और ये संकेत दूसरी कोशिका तक पहुंचता है। इसके लिए कुछ विशेष केमिकल या कुछ विशेष ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रोल प्ले करते हैं। कुछ तो मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन पर बंधे नहीं होते बल्कि सेल के द्वारा स्रावित होकर मुक्त हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और कुछ थोड़ी दूरी तय करते हैं डिफ्यूजन के द्वारा, और कुछ लंबी दूरी तय करते हैं, और लंबी दूरी तय करने के लिए उन्हें ब्लड में डाला जाता है और ब्लड के साथ लंबी दूरी तक जाते हैं। चारों प्रकार की जो सिग्नलिंग है, कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक, जिसको इंटरसेलुलर सिग्नलिंग कहते हैं, इनमें कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है जिसको जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं, दूसरा पैराक्राइन सिग्नलिंग है जिसमें सेल कॉन्टैक्ट में नहीं होती, थोड़ी गैप होता है उनमें,
इसी का परिवर्तित रूप है सिनेप्टिक सिग्नलिंग, जो नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, दो न्यूरॉन के बीच होता है। और चौथा जो फॉर्म है वो है अपना एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जिनमें हार्मोन के माध्यम से सिग्नल उत्पन्न किए जाते हैं, क्योंकि इनमें सिग्नल जिस सेल को पहुंचाना है वो दूर होता है, ऐसे में ब्लड एक माध्यम होता है जो इन्हें पहुंचाता है। तो इस टॉपिक में इतना। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिग्नल टारगेट सेल तक पहुंच गया है, उसकी मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बंध गया है, और वो मेम्ब्रेन को पार कैसे करता है, और पार करके फिर कोशिका द्रव्य में किस तरीके से ट्रेवल करता है। ट्रेवल करते हुए कभी कभी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाता है, और न्यूक्लियर पोर के द्वारा अंदर केंद्रक के प्रवेश करता है, फिर ये क्रोमोसोम तक